राज श्रीमद् भागवत गीता की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवत गीता के पांचवा अध्याय का सारांश पढ़ेंगे। पहला ये अध्याय का नाम है कर्मयोग, यानी कृष्ण भावनामृत में कर्म, ऐसा कर्म जो हमें कभी बंधन में नहीं डालता है। पहला श्लोक अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच, आप पीछे बोल सकते हो, अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणं कृष्ण पूर्णयोगं च शंससि यच्छ्रेया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद होगा? आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो वैराग्य को अपनाए हैं, और भगवान अर्जुन को ये भी बोलते हैं कि नहीं, अपने ही गृहस्थी में रहकर भी आप भक्तिमूलक कर्म करो तो भी आप मुक्त हो जाओगे। तो अर्जुन थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया है। तो अर्जुन ने कहा कि आप मुझे बताएंगे कौन सा श्रेष्ठ है। तो भगवान ने कहा कि मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग और भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, लेकिन कर्मों के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जैसे मान लो कोई सन्यासी बन गए, बहुत तपस्वी है, हिरण्यकशिपु इतने बड़े तपस्वी थे, वो उनका पूरा शरीर कीड़े मकोड़े ने खा लिया था, फिर भी प्राण था शरीर में। मालूम है ना हिरण्यकशिपु कौन है? प्रहलाद के पापा। तो प्राण था और फिर भी तपस्या करे जा रहे थे। तो किसी का भी कोई थोड़ा सा भी कीड़ा काटता है तो कितना दर्द होता है। तपस्या मतलब वो अपने लक्ष्य में स्थित है, बिल्कुल तस से मस नहीं हुए, कितना कठोर तपस्या किया। रावण का तपस्या जब रावण ने किया था, एकदम ठंडी में, कभी अगर आपने बद्रीनाथ गए, एकदम बर्फीली पानी है गंगा जी का, मंदा के निका अलकनंदा का, तो ऐसे पानी के अंदर घुस के तपस्या करते हैं ठंडी में। और गर्मी कुंभकर्ण, गर्मी में सर के ऊपर भी कुछ जलाएंगे ऐसा आग, आसपास भी आग जला के रखेंगे और उसमें तपस्या कर, उसमें ध्यान देना। हम जब बीमार होते हैं तो ही हमारे लिए पढ़ना कितना मुश्किल हो जाता है, और ये लोग तपस्या कर रहे हैं, मतलब ब्रह्मा की तपस्या कर रहे थे हिरण्यकशिपु। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि कोई कितना ही बड़ा तपस्या करे, अगर वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता है तो ऐसे तपस्या निकृष्ट माना गया है। इसलिए नारद पंचरात्र में नारद मुनि कहते हैं, आराधितो यदि हरि का, आराधितो यदि हरि तपसा तत किम, तपसा तत किम, ना आराधितो यदि हरि तपसा तत किम। मतलब नारद पंचरत्न में बताया गया है कि अगर आप हरि की आराधना कर रहे हो तो तपस्या की क्या जरूरत है, और अगर आप हरि की ही आराधना नहीं कर रहे हो तो तपस्या से क्या लाभ होगा। अर्थात हम कितना भी कठोर तपस्या करें, कितना बड़ा बड़ा दान दे, अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं तो वो निरर्थक हो जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है, भगवान ने कहते हैं भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो ऐसे व्यक्ति जो कर्मफल की इच्छा नहीं करता, जैसे आप बोलेंगे अरे मोटिवेशन तो उसी से आएगा ना कि मेरे एग्ज़ाम में कितना मार्क्स मिलेगा, लेकिन आप अगर पढ़ाई करते हो और एग्ज़ाम के मार्क्स के बारे में सोचते रहते हो तो आपका 50% ध्यान तो उधर ही बढ़ गया। आप 50% जो आप पढ़ाई करोगे उसमें से कितना ही अच्छा रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। तो अगर आप फुल फोकस अपने पढ़ाई पर देते हैं
और उसका रिजल्ट कृष्ण पर छोड़ देते हैं, तो आप देखिए आपका कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका मेहनत पूरा किस में है, फोकस आपके कर्म में है। ठीक उसी प्रकार हम सभी को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए और फल के बारे में सोच के समय या एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये भगवान कहते हैं। और फल के बारे में जो सोचता है ना, वही कर्म बंधन में पड़ता है। आप देखिए कितने लोग डिप्रेशन में हैं, क्यों? क्योंकि वो फल के बारे में ही सोचते हैं, मेहनत नहीं करते। जिस सब्जेक्ट को आपको बहुत डर लगता है, वो सब्जेक्ट आपको खोलने से वो नहीं खोलते हो आप, जो इंटरेस्टिंग है आप वही पढ़ते रहते हो, ऐसा होता है। तो इसलिए क्योंकि डर है इसलिए, लेकिन अगर आप उस डर को जीत कर उसको खोलना शुरू करोगे तो आपको इजी लगने लगेगा, अरे इतना भी टफ नहीं था। तो ऐसा ही भगवान बताते हैं कि हम अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। आगे भगवान 6 श्लोक में बताते हैं कि भक्ति में लगे बिना, कोई भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो कर्मों का परित्याग कर दे, चाहे बहुत बड़ा वैरागी बन जाए, फिर भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। आगे भगवान 7 श्लोक में बताते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्तिभाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वो एक्चुअली कर्म करते हुए भी कर्म में नहीं बंधेगा। हम देखो कोई भी कार्य करना है आपको इंद्रियों को तो वश में करना ही पड़ेगा। आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आपको ज़बरदस्ती मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको कुछ वीडियो देखने का मन कर रहा है लेकिन आपका बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो आप उसको, उस इच्छा को आपको तिलांजलि देना होगा कि नहीं होगा। तो भगवान ये कहते हैं जो भक्तिभाव से कर्म करता है, जो जानता है कि सर्व कारण कारणम भगवान है। अब अर्जुन ने जब युद्ध किया था ना, तो अर्जुन ने ये सोच के युद्ध नहीं किया था कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूँ, मैं तो जीत ही जाऊँगा, नहीं, इसलिए युद्ध किया था क्योंकि भगवान ने कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। नहीं तो अगर दुर्योधन जैसे एक व्यक्ति जो षड्यंत्रकारी है, जो अपने भाई के साथ ही षड्यंत्र कर सकता है, अपने भाभी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, ऐसा पापी अगर राजा हो जाएगा तो समाज का कल्याण नहीं, क्या होगा, विनाश, पतन हो जाएगा, इसलिए ऐसा कहा गया। अब देखिए दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष के बारे में या व्यक्ति के बारे में भगवान कहते हैं कि वो सुनते, स्पर्श करते या कुछ सूंघते समय भी, आप करोना में कितने लोगों का सूंघने की कैपेसिटी चली गई थी, टेस्ट नहीं आता था क्योंकि जीभ में वो स्वाद नहीं आता था, तो वो जानते हैं कि ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। अभी देखो हम सांस ले पा रहे हैं, लेकिन किसी को जब सफोकेशन होता है वो सांस नहीं ले पाता है ना, उन व्यक्ति को क्यों वेंटिलेटर में रखा जाता है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होता है। तो आज जब हम इतने अच्छे से श्वास ले पा रहे हैं, हमारा शरीर निरोगी है, हम अभी बहुत यंग हैं, तो अभी ही हमें आत्मा को बचाने का उपाय कर लेना चाहिए, नहीं तो समय हमारे हाथ से निकल जाएगा। कई लोग बोलते नहीं बूढ़े होंगे तब जाके हम भक्ति करेंगे, आप एक मुरझाया हुआ फूल आपको कोई गिफ्ट दे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बॉडी जब ऐसा हो जाए कि आप कान से सुनाई नहीं देगा, आँखों से दिखाई नहीं देगा, इतनी सारी बीमारियां आएगी, तब तक हम वेट क्यों करें, और तब क्या हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे भक्ति। तो इसलिए यंग एज नहीं, एक्चुअली बचपन 5 वर्ष का उम्र ही सही उम्र है भक्ति करने का, जैसे प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज ने किया था, क्योंकि 5 साल का बच्चा इतना जल्दी सीखता है ना, आप उसको श्लोका मेमोराइज करने के लिए बोलो वो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा अभी इतना, है ना, लेकिन आप जब उसको रोज़ सुनाते हो उसको जल्दी मेमोराइज हो जाता है। एक छोटा बच्चा आसानी से 2-3 लैंग्वेज सीख लेता है, जो एक बड़ा व्यक्ति को बहुत मुश्किल से सीखना, इसलिए बोलते ना बचपन में याद करना बहुत आसान है। तो ऐसा व्यक्ति जब बचपन से ही भगवान के बारे में भी जानेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी बुद्धि जो है बहुत शुद्ध हो जाएगा। भगवान कहते हैं 10 नंबर श्लोक में, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति कर्मफलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो किसी भी पाप से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है। जैसे आपने कभी कमल का पुष्प देखा, उसमें पानी लगता है,
पानी में रह के भी पानी के लीव उसके ऐसे लीव ले लो तो सूखा सूखा ही मिलेगा, बाकी पत्तों की तरह गीला नहीं होता। तो ऐसे हम लोग इस संसार में रह सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट श्लोक में 12th श्लोक में भगवान कहते हैं कि हम शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक्चुअली निश्चल भक्ति से शांति प्राप्त करते हैं। अगर हम भक्ति भी ऐसे करेंगे ना किसी स्वार्थ से, तो हमें भी शांति नहीं मिलेगा कि हमने तो ये चाहा था भगवान ने नहीं दिया, वो चाहा था नहीं दिया। लेकिन आप निस्वार्थ प्रेम करते हैं भगवान से और भगवान के डिसीशन पर आपको पूरा भरोसा होता है क्योंकि ही इज़ ऑल पावरफुल, तो क्या होता है आपके मन में निश्चल शुद्ध शांति प्राप्त होता है। और कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि जो मेरी डिफ़िकल्टीज आया इसकी वजह से मुझे क्या क्या लाभ हुआ, मतलब आपका वो विज़न आपको मिल जाता है भगवान से। तो आगे भगवान कहते हैं कि हमारा जो शरीर है ना इसमें 9 द्वार है। मतलब द्वार क्या है 9? अभी जब प्राण निकलता है ना शरीर से मृत्यु के समय, ये किसी भी द्वार से निकल सकता है। ऊपर के द्वार से निकले तो अच्छा माना जाता है, जैसे कुछ लोगों का आँखों से निकलता है तो आँखें ऐसे खुली रह जाती है, कुछ लोगों का मुंह से निकलता है प्राण तो मुंह ऐसे खुल के बैठ हो जाता है ना। हाँ, ऊपर के वहाँ से ही निकलना अच्छा माना जाता है। तो आप देखो 9 द्वार क्या है, 2 आँखें है हो गया, नाक में 2 होल है 4 हो गया, और 2 कान है 6 हो गया, ये मुंह 7 हो गया, और मल द्वार मूत्र द्वार कितना हो गया 9। यस, तो भगवान कहते हैं इस 9 द्वार वाले नगर में, ये जो हमारा शरीर है इसको नगर के साथ क्यों तुलना किया गया, क्योंकि इस शरीर को हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। हम रोज़ आईना में भले ही कितना भी अपने आप को देखें, सुंदर से सजाए, लेकिन एक समय आएगा कि हम आत्मा हैं, हमें यह अनुभव होगा और हमें यह शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। और कोई किसी लोगों को बहुत अटैचमेंट होता है, नहीं छोड़ते ना, तो यमदूत आते हैं ना, वो पाश ऐसे, यमदूत का पाश होता है रस्सी, वो ऐसे गले में डालते और ऐसे खींच लेते हैं, वो नहीं जाना चाहते। मृत्यु के समय क्यों कष्ट होता है, इसलिए कष्ट होता है क्योंकि उसको ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। वो अपने आप को शरीर मानता है और इतना शरीर से अटैच्ड होता है कि जब यमदूत उसको निकालते हैं शरीर में से, उसको भयंकर कष्ट होता है। लेकिन एक भक्त के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे ध्रुव महाराज की मृत्यु का जब समय आया, हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज तो आसानी से मृत्यु के सर पर पाँव रख के विमान पर चढ़ गए। तो इस तरह से आ जाओ प्लीज। राधे राधे। ओके, तो आगे भगवान कहते हैं कि एक्चुअली हमें भगवद गीता क्यों पढ़ना है, भागवतम क्यों पढ़ना है। वो इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब हम इसमें प्रबुद्ध होते हैं, हमेशा भक्तों से सुनते रहते हैं भगवद गीता का ज्ञान, या हम पढ़ते रहते हैं, तो इससे हमारा अविद्या का नाश होता है। नहीं तो आप, अब हमारा ये जो क्लास है ये आपको एक हफ्ते में एक दिन हो रहा है, राइट? तो बाकी 6 दिन अगर आप नहीं सुनेंगे जैसे या नहीं पढ़ेंगे भगवद गीता को, हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, बैग को हाँ ऐसे कर, नहीं ठीक ऐसे ही रख दो। तो नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा झुकाव उधर ज़्यादा होगा ना जहाँ हम सुनते रहते हैं। तो इसलिए आपको डेली भगवद गीता पढ़ना है। जैसे कल से भीष्म पंचक शुरू हो रहा है 5 दिन के लिए, अगर आपने आज तक कोई इतना व्रत नहीं भी किया है तो कार्तिक नहीं आए हो 5 दिन के लिए कार्तिक ना, तो कल, हाँ कल से शुरू कर दो आप लोग। कल से भगवद गीता एवरीडे पढ़ो अगर नहीं पढ़ा है, हरे कृष्ण महामंत्र का और ज़्यादा से ज़्यादा जप करो। ये 5 दिन आप लोग कम से कम 5 दिन तो कोई बात नहीं तपस्या करो। और मैं ये भी बोल रही थी कि आपका जो प्रिय वस्तु है ना 5 दिन के लिए आप छोड़ भी सकते हो। जैसे कि मान लो आपको मिठाई बहुत पसंद है कि भीष्म पंचक के 5 दिन हम नहीं खाएंगे, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे श्लोक है आपने सुना होगा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना, कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण विद्वान और विनित ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता चांदाल सबको समान दृष्टि से देखते हैं।
कैसे समान दृष्टि से देखते हैं कि सबके अंदर आत्मा है और आत्मा के अंदर परमात्मा है, इस दृष्टि से देखते हैं। लेकिन समान व्यवहार करेंगे क्या? कोई एक बहुत डाकू है और कोई एक बहुत बड़ा भक्त है, आप बिहेवियर तो इक्वल नहीं कर सकते दोनों के साथ। एक बदमाश है बहुत, वो आपको ये हार्म कर देगा, लेकिन आप देखने की दृष्टि से समान देखेंगे। कैसे? कि इनके अंदर भी भगवान है, इनके अंदर भी भगवान है। लेकिन व्यवहार में हम शेर को जाके गले नहीं लगा सकते, वो हमें खा जाएगा, सांप को नहीं हग कर सकते आप, वो काट लेगा। तो ऐसे ही आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, जो मतलब व्यवहार में थोड़ा डिफरेंस मेंटेन करेंगे, पर हम उनको कोई घृणा नहीं करेंगे, दूर से ही नमस्कार करेंगे, और उनके अंदर भी भगवान है हम इस बात से समदृष्टि से देखेंगे। तो ऐसा भगवान कहते हैं कि विद्वान लोग समान दृष्टि से देखते हैं। तो आगे भगवान बोलते हैं, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। अब 22 नंबर श्लोक है। तो दुख का कारण क्या है? कि जब हम बहुत ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करते, इसे बैलेंस नहीं करते लाइफ को, कोई सोते ही रहते हैं। मतलब आपने ऐसे लोगों से मिला होगा कि 15-15, 20-20 घंटा भी सो सकते हैं कम। आप लोगों को तो आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज मुझे बॉडी पेन हो जाएगा इतना। 6-7 घंटा एनफ होता है सोने के लिए, राइट? लेकिन कुछ लोग 15-12 घंटा भी सो सकते हैं, उनका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, बैलेंस नहीं है लाइफ, है ना। कुछ लोग खाते ही रहते हैं, कुछ लोग खाते ही नहीं हैं, तो दोनों में बॉडी बीमार हो जाएंगे। आपको एनफ रेस्ट लेना पड़ेगा, ज़्यादा रेस्ट लेने से आप आलसी बन जाओगे। एनफ खाना पड़ेगा, कम खाने से बीमार होंगे, ज़्यादा खाने से भी बीमारियाँ आएगी। तो इस तरह से हमें सब कुछ बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर इंद्रिय तृप्ति की भी बात करें, है ना, इंद्रिय तृप्ति मतलब जैसे मान लो आपने कुछ मोबाइल में कुछ देखा, अगर आप वही देखते रहते, मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट मोबाइल ही देखते रहते क्लास में भी, और या कुछ गाना सुनते रहेंगे या कुछ गेम खेलते रहेंगे, तो उनका बैलेंस बिगड़ चुका है, उनका ब्रेन क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। तो इसलिए आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो ये भगवान कहते हैं कि कभी भी बुद्धिमान व्यक्ति दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता। ज़्यादा हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं या कुछ भी अति करते हैं तो वो हमारे दुख का कारण बनता है। और ये भी बताया गया है कि जो ऐसा व्यक्ति ही सुखी हो सकता है जो अपने क्रोध के वेग को और इच्छा के वेग को कंट्रोल कर सकता है। गलत इच्छा को आप पूरा नहीं करना चाहिए। देखिए, मन में दो प्रकार की इच्छा आएगा, अच्छा बुरा। तो अच्छे इच्छा को तो आप, जैसे आपको बोला कि हाँ ठीक है कल देवउत्थान एकादशी है तो हम व्रत करते हैं, हाँ आप बहुत उसको माइंड को बोलो वेरी नाइस, हाँ हम करेंगे ऐसे, है ना। लेकिन अगर वो बोले कि अच्छा, तो बॉयज़ में खासकर होता है कि ये लोग ड्रिंक करने जा रहे हैं तो हम भी पार्टी में चलते हैं, तो उसमें रोक देना चाहिए, इच्छा गलत हो गया ना। वो उससे आज तो कोई बात नहीं, आज तो वो एक कप पिएगा या एक ग्लास पिएगा, लेकिन ये आदत बन जाए, गलत चीज़ें हमेशा आदत बन जाती है। और क्रोध को कंट्रोल करना मुश्किल भी है, आसान भी है। अगर आप क्रोध आए और उस समय आप अगर उसको डाइवर्ट कर दे या भगवान की सेवा में लग जाए या भगवान का नाम जप में लग जाए तो आप क्रोध को कंट्रोल कर सकते हो। या उस समय आप बोलोगे वेट, माइंड को आप बोल सकते हैं कि वेट, मैं इसको सबक सिखाऊंगी बट नॉट नाउ, कल, आज नहीं, क्योंकि आज मैं इमोशन से भरा हुआ हूँ, लाइक दैट, या भरी हुई हूँ। माइंड को इस तरह से आप डाइवर्ट कर सकते हैं। और इवन जब रावण मर रहा था ना, युद्ध में मर गया, वो मरने ही वाला था, तो राम जी ने कहा कि रावण एक्चुअली बहुत विद्वान भी है, तो लक्ष्मण को कहा जाओ कुछ अच्छा सीख के आओ। तो रावण ने कुछ बातें कहा, उनमें से ये बात भी एक है कि अगर आपको शुभ कार्य करने का मन में आए तो तुरंत करो, क्योंकि वो शुभ घर ही निकल जाएगा, फिर करने का मन नहीं करेगा। और कोई गलत करने का मन करे तो रुक जाओ, तो बुरा समय निकल जाएगा, फिर आपका गलत करने का मन नहीं करेगा। तो इस तरह से हमें अपने वेगों को सहन करने का प्रैक्टिस करना चाहिए, वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। तो आत्मसंयमी व्यक्ति के बारे में भगवान 26 श्लोका में भी बोलते हैं कि हर व्यक्ति को आत्मसंयमी बनना होगा भगवान को प्राप्त करने के लिए। इवन भौतिक जगत में भी उन्नति करने के लिए आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है, संयम करना पड़ता है, तो फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए तो करना ही पड़ेगा।
बता रहे हैं। एक श्लोका जो है ये आप भगवत गीता का, अगर आपको कोई पूछे कि शांति की फॉर्मूला वाला श्लोका कौन सा है, वो श्लोका है, और आप लोग मेरे पीछे दोहराना, भोक्तारम 29 श्लोका है, 5वें अध्याय का। यज्ञ तपसम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा मम शांति मृच्छति। भगवान कहते भोक्तारम, जो ऐसे मान लेता है कि मैं ही समस्त यज्ञ और तपस्या का भोक्ता हूँ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ओके नहीं, मैं ऐसे देख रही थी कि तुम कुछ देख रही हो क्या, कोई बात नहीं। यज्ञ हम बहुत अलग अलग उससे करते हैं कि नहीं करते हैं, जैसे हम बहुत अलग अलग व्रत करते हैं, अलग अलग तपस्या करते हैं, लेकिन सभी यज्ञ तपस्या का जो मालिक है अंतिम में उनको ही जाना है। मान लीजिए आपने कोई देवी का ही व्रत किया या यज्ञ किया या देवता का यज्ञ किया, तो श्रीमद् भागवत गीता से हमें पता चलता है कि देवी देवता भी यज्ञ का जो फल है, यज्ञ का जो पाठ है, वो पहले भगवान कृष्ण को अर्पित करेंगे और प्रसाद रूप में जो मिलेगा वो खुद ग्रहण करेंगे। यहाँ तक कि कोई अगर वरदान भी देना है तो देवी देवता भगवान की अनुमति या सैंक्शन या सिग्नेचर के साथ ही वरदान दे पाते हैं, और ये बहुत क्लियर है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो इस बात को जानते हैं कि मैं ही भोक्ता हूँ समस्त यज्ञ का और समस्त तपस्या का, तो क्या करेगा, भगवान की सेवा करेगा। नेक्स्ट है सर्वलोका महेश्वरम, जितने भी लोक हैं, वैकुंठ लोक हो, गोलक धाम हो, पृथ्वी लोक हो, ब्रह्मा का लोक हो, स्वर्ग लोक हो, जितना भी ब्रह्मांड है, सर्वलोका महेश्वरम, सभी लोक का मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही राजा हूँ, जो इस बात को स्वीकार करता है वही तो भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत हो पाएगा। तो पहला पॉइंट क्या था, सभी यज्ञ और तपस्या का मैं भोक्ता हूँ जो इस बात को जानता है। दूसरा सभी लोगों का भगवान ही एकमात्र राजा है, और तीसरा है सुहृदम। सुहृदम मतलब सुहृदम सर्वभूतानां, भूत मतलब आत्माएं, आत्मा ये वाला भूत नहीं, भूतात्मा मतलब आत्मा, तो जितने भी आत्माएं हैं सबके सुहृद मतलब परम मित्र बेस्ट वेलुशर मैं हूँ, जो ऐसे जानता है वही ज्ञात्वा माम मतलब जो जानता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। यानी पहला क्या था, मैं सभी यज्ञों का मतलब भोक्ता हूँ और मैं सभी लोगों का राजा हूँ, वेरी नाइस। और तीसरा है आपका कि सभी आत्माओं का बेस्ट फ्रेंड मतलब अच्छा मित्र, हाँ, और इस बात को अगर हमने स्वीकार कर लिया तो हम परम शांति को प्राप्त कर, वेरी नाइस, वाह वंडरफुल। तो इसी श्लोक के साथ जो है 29 श्लोक के साथ ये 5वां अध्याय समाप्त होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। यस सवाल अभी लूंगी।